In this video tutorial, we are going to learn and discuss about the basic features of Windows operating system. इस video tutorial के अंदर हम Windows operating system के version 10 के अंदर basic settings को customize करना सीखेंगे. So, let's start. जब हम अपनी computer screen के desktop के ऊपर free space पे right click करते हैं, तो हमें एक menu show होता है. व्यूअर्स, मेन्यू बेसिकली लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं. ये ऑप्शंस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दिए जाते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को या टास्क को परफॉर्म कर सकें. जब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, हमें ये मेन्यू शो होगा. इस मेन्यू के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें हम सेलेक्ट करके कोई पर्टिकुलर काम या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इसके अंदर सबसे टॉप पे जो ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ व्यू. व्यू के अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ये व्यू पर्टिकुलरली डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल आइकन्स के लिए है. हम इन आइकन्स की साइज़ को चेंज कर सकते हैं या फिर इन आइकन्स को हम हाइड भी कर सकते हैं. अब इन अवेलेबल ऑप्शंस में से अगर मैं किसी एक ऑप्शन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो वो टास्क परफॉर्म होगा. अगर मैं यहाँ पर लार्ज आइकन्स के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो आइकन्स का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा. अगेन, मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा. अब इस मेन्यू के अंदर टॉप ऑप्शन जो कि व्यू ऑप्शन है, इसके अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर अवेलेबल एक और ऑप्शन जिसका नाम है शो डेस्कटॉप आइकन्स, इस पर एक चेक लगा हुआ है. इसके ऊपर अगर मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये आइकन्स हाइड हो जाएंगे. अब अगर मैं इन आइकन्स को दोबारा शो करना चाह रहा हूँ तो मुझे दोबारा अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पे माउस से राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद व्यू के ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा और उसमें बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन है शो डेस्कटॉप आइकन्स, इस पर मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये आइकन्स दोबारा स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएंगे. इस तरह हम इस व्यू के अंदर अवेलेबल ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, आइकन्स का साइज़ लार्ज, मीडियम या स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको ऑटो अरेंज कर सकते हैं या फिर अलाइन कर सकते हैं और इनको शो या हाइड कर सकते हैं. इस मेन्यू के अंदर सेकंड ऑप्शन सॉर्ट बाय है. सॉर्ट बाय का मतलब है आइकन्स को ऑर्गेनाइज करना. हम इन आइकन्स को अकॉर्डिंग टू देयर नेम, साइज, आइटम यानी एप्लीकेशन टाइप एंड डेट मॉडिफाइड, हम इन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इसके बाद इसका थर्ड ऑप्शन है रिफ्रेश. इस ऑप्शन पे अगर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा. दीज आर द टॉप थ्री ऑप्शंस ऑफ दिस मेन्यू. यस, अब हम अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्प्ले सेटिंग्स को देखेंगे. डिस्प्ले सेटिंग्स को चेक करने के लिए हम स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे. हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने से एक मेन्यू अपीयर होगा. उस मेन्यू के अंदर सेकंड लास्ट ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग्स. हम माउस से डिस्प्ले सेटिंग्स के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो अपीयर होगी. इस विंडो के अंदर डिस्प्ले से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अब हम इनको चेक करते हैं. सबसे पहले इसके अंदर ब्राइटनेस एंड कलर का ऑप्शन है जिसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इस ऑप्शन के थ्रू किया जा सकता है. उसके बाद डिस्प्ले के अंदर स्केल एंड लेआउट का ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंदर हम टेक्स्ट, एप्लीकेशंस या फिर अदर आइटम्स के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, इस वक्त मैं इन अवेलेबल ऑप्शंस में से 150% को सिलेक्ट करता हूँ. इसके लिए मुझे माउस से लेफ़्ट क्लिक करना होगा. जब मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो हमारे स्क्रीन के अंदर एक चेंज आता है. वो चेंज ये है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जो भी कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा. हम इन ऑप्शंस को यूज़ करके अपने कंटेंट की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. उसके साथ ही सेकेंड ऑप्शन है स्क्रीन रेजोल्यूशन का, जिसे हम डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी कहते हैं. किसी भी स्क्रीन की रेजोल्यूशन उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है.
लाइक अगर हम एलईडी या मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, उस मॉनिटर या एलईडी स्क्रीन का जो साइज़ होगा अकॉर्डिंगली इस कंप्यूटर के ऊपर उसकी रेजोल्यूशन रिकमेंड की जाएगी। इन माय केस 1920x1080 रिकमेंडेड है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। व्यूअर्स, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो रेजोल्यूशन होती है वो कम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होती है। किसी भी स्क्रीन के ऊपर नंबर ऑफ़ पिक्सल्स उसकी क्वालिटी को इन्हांस या फिर वीक करते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी हाई कंसीडर की जाएगी। पिक्सल इज़ अ स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट एलिमेंट ऑफ स्क्रीन। पिक्सल को हम पिक्चर एलिमेंट भी कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन है डिस्प्ले ओरिएंटेशन का। डिस्प्ले ओरिएंटेशन में दो ऑप्शंस होते हैं, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट। लैंडस्केप ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिसके अंदर विड्थ ज़्यादा हो, एंड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिसके अंदर हमारी हाइट ज़्यादा हो। फॉर इंस्टेंस, आप ये इमेज देख सकते हैं, इस पिक्चर के अंदर अगर हम किसी ग्राफिक को या किसी भी कंटेंट को पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर रखेंगे तो उसकी हाइट इस तरह होगी, और अगर हम इनमें से किसी कंटेंट को लैंडस्केप रखेंगे तो उसकी विड्थ ज़्यादा होगी। इस तरह हम डिस्प्ले ओरिएंटेशन में लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमें हमारी स्क्रीन पे कंटेंट शो होगा। अब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साउंड सेटिंग्स को देखेंगे। इसके लिए हम डेस्कटॉप के ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू अपीयर होगा, उस मेन्यू के सेकेंड लास्ट ऑप्शन डिस्प्ले सेटिंग्स के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ सेकेंड ऑप्शन साउंड का है, इस पर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। हम यहाँ से अपने कंप्यूटर सिस्टम के साउंड या वॉल्यूम को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के वॉल्यूम को या साउंड को इंक्रीज या डिक्रीज एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन हमारे कंप्यूटर की टास्क बार के अंदर अवेलेबल होता है। जब हम अपने कंप्यूटर की टास्क बार के ऊपर राइट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास एक आइकन अवेलेबल होगा जिसके ऊपर माउस होवर करेंगे तो ये ऑप्शन हमें नज़र आएगा। अब हमें इसके ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करना होगा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से भी अपने कंप्यूटर सिस्टम की वॉल्यूम को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। Through these two options, we can control or increase or decrease the volume of our computer system. हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन किस तरीके से कर सकते हैं? अगर हम अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टास्क बार के अंदर लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना होगा। उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पावर का आइकन शो होगा। उस पावर आइकन के ऊपर सिंगल क्लिक करने से तीन ऑप्शन हमें शो होंगे जिनमें हम सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं और रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन ऑप्शंस में हम शट डाउन के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। इस तरह हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन हो जाएगा।